नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य विभय राणा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस पर। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और लगभग इस समस्या से सभी लोग अपने जीवन काल में एक न एक बार जरूर पीड़ित होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैक पेन के बारे में। और आज मैं आपको केवल सिंपल आसन से आप अपने बैक पेन को लगभग किस प्रकार से हद तक कम कर सकते हैं या उसे पूर्ण तरह से ठीक कर सकते हैं वो मैं योगिक आसन से आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले स्टैंडिंग सीरीज के आसन जो बैक पेन में लाभकारी होते हैं उनसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आसन ताड़ासन करेंगे। और ताड़ासन के लिए लगभग दोनों पैर मिलाकर अभ्यास की शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले दोनों पैर दोनों हाथ मिल साइड में करें, समस्थिति में आएँ। और जो लोग दोनों पैर मिलाकर इस अभ्यास को नहीं कर सकते हैं वो दोनों पैरों के बीच में लगभग एक डेढ़ से दो इंच का फासला ले सकते हैं। तो पैर आपस में मिलाएं, दोनों हाथ आपके जंघा से सटे हुए समस्थिति। अब दोनों हाथों को सामने कंधे के बराबर उठाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हथेलियां बाहर पलटें, अपने हाथों को स्ट्रेच करें, शरीर को स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ और धीरे धीरे अपने एड़ियों को आसमान में उठाएं। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें, धीरे से वापस दोनों हाथ नीचे। जो लोग पैर मिलाकर इस अभ्यास को कर पा रहे हैं बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि मैंने बताया वो डेढ़ से दो इंच का फासला भी ले सकते हैं। अब अगला आसन करेंगे हम त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन के लिए समस्थिति में आ जाएं, समस्थिति। अब धीरे से दोनों हाथों को कंधों के लेवल पर उठाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हथेलियां सामने की तरफ पलटें, शरीर हाथ और शरीर दोनों खींचें। अब श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर झुकाएं, धीरे से वापस श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर झुकाएं, धीरे से वापस आ जाएं। अब अगला कमर दर्द में हम जो पीठ के बल लेटे हुए आसन है उनका अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। सर्वप्रथम अभ्यास करेंगे हम उत्तान पादासन का। उत्तान पादासन के लिए पीठ के बल लेटे हुए समस्थिति, दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ आपके हथेलियां ज़मीन की तरफ जंगा से सटी हुई। अब धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए दोनों पैरों को 30 से 40 डिग्री के बीच में उठाएं और यहीं होल्ड करें। धीरे से वापस इसी अभ्यास को 3 से 4 बार दोहराएं। अगला अभ्यास हम करेंगे सेतु बंधासन का। सेतु बंधासन के लिए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए अपने हिप्स के पास प्लेस करें। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों से अपने टखनों को पकड़ें, जैसा कि इस आसन से प्रतीत हो रहा है सेतु यानी कि ब्रिज अपने शरीर से एक ब्रिज की तरह आकृति बनानी है सेतु की तरह। अब धीरे धीरे से अपने हिप्स और स्टमक को उठाएं, अपना चिन लॉक करने का प्रयास करें। कुछ क्षण इस स्थिति में बने रहें, धीरे से वापस इस अभ्यास को 2 से 3 बार दोहराएं। अगला अभ्यास करेंगे मरकट आसन का। मरकट आसन के लिए अपने सबसे पहले दोनों हाथों को अपनी गर्दन के नीचे उंगलियां इंटरलॉक करते हुए, अब दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने हिप्स के पास लाएं। अब अपने दोनों पैरों को बाएं ओर झुकाएं और गर्दन को दाएं ओर झुकाएं। कुछ क्षण की स्थिति में बने रहें। अब दोनों पैरों को वापस, अब पैरों को दाएं ओर लेकर जाएं और गर्दन को बाएं ओर लेकर जाएं। धीरे से वापस अगले अभ्यास। अब हम पेट के बल लेटने वाले आसनों का करेंगे। पेट के बल लेट जाएं।
सर्वप्रथम हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। जो लोग दोनों पैर एक साथ उठा सकते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जो दोनों पैर एक साथ नहीं उठा सकते हैं वो एक एक करके पैर उठा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, शलभासन के लिए तैयार, पेट के बल लेटी हुई समस्थिति, दोनों पैर आपके सीधे, आपकी हथेलियां आपके जंघा से सटी हुई, हथेलियां आसमान की तरफ। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को उठाएं, कोशिश करें कि आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहें, कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। धीरे से वापस इस अभ्यास को 3 से 4 बार दोहराएं। अगला अभ्यास करेंगे सरल भुजंगासन का। सरल भुजंगासन के लिए अपने दोनों हाथों को, हाथ की हथेलियाँ कंधे के नीचे रखें, आपकी एल्बोस यानी कि कोहनियाँ ज़मीन पर रहें। अब धीरे से श्वास भरते हुए आपकी अपनी अपर बैक को उठाएं, नज़रें आसमान की तरफ, कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। धीरे से वापस आ जाएं। अगला अभ्यास हम करेंगे धनुरासन का। तो धनुरासन के लिए अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए अपने हिप्स के पास लाएं और अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ें। अब श्वास भरते हुए अपनी बॉडी को दोनों तरफ आगे यानी कि पीछे उठाएं और कोशिश करें कि आपका पूरा बॉडी वेट आपकी नाभि पर केंद्रित हो। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। धीरे से वापस। अब अपनी योगा मैट पर बैठ जाएं। आखिरी आसन योग मुद्रा आसन का करें अभ्यास करेंगे। योग मुद्रा आसन के लिए सर्वप्रथम पद्मासन लगाएं। पद्मासन के लिए दोनों पैर सामने दंडासन में खोलें। अब अपने सीधे पैर को बाएं जंघा पर रखें, बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं जंघा पर रखें, अपने दोनों हाथों की कलाइयों को एक दूसरे से पकड़ लें और श्वास छोड़ते हुए सामने बैंड। धीरे से वापस। हरिओम, धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।